हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक है आप सब लोगों के? यार आज का सारा दिन ऐसे गुजर गया, बस सुबह काम पर, दिन काम से आकर थोड़ी सी खाना खुना खाया और रेस्ट की और लेट गए हैं। अभी दोबारा से उठे हूँ तो सोचा है कि कोई ना कोई बाहर का चक्कर लगाया जाए और थोड़ा सा यार टाइम कैसे गुजरता है ये भी आपके साथ शेयर किया जाए और सारी बातें आपके साथ की जाए। चले फिर शुरू करते ना आज का व्लॉग। आके देखा है बाकी तो यहाँ पर तो लोग आके देखा तो देखा है कि देखा क्या देखा है आपको भी दिखाता हूँ क्या देखा मैंने। ये यहाँ पर हम खीर बन रही है, हर एक वीक के बाद खीर बन रही होती है हमारे, साथ में समोसे चल रहे हैं कीमे वाले और मैं सोया हुआ था। वाह जी वाह सर, वाह जी वाह, आपके कोई लिफ्ट ही नहीं बताते नहीं है, खाई पी जा रहे बस। ऐसे किचन में आके बैठने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद मुझे एक इश्फाक साहब की लाइन याद आ कि वो लिखते हैं कि जिंदगी अक्सर आपको रुलाई देती है, फिर चाहे कि आप अपने माँ बाप के कितने लाडले क्यों ना हों। ये बात सच है, यहाँ पर जब इंसान अकेला होता है तो घर वालों को बहुत याद आती है, तो इंसान अक्सर रो पड़ता है जब यहाँ पर दिन रात आपको काम करना पड़ता है, उसके बाद स्टडी साथ हर चीज को मैनेज करना पड़ता है, तो आपको रुलाई देते हैं बस। ऐसे किचन में बैठे बैठे उस खीर तो बन रही थी, खीर तो ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, लेकिन रोटी वगैरह बनाने को दिल नहीं कर रहा था, तो फिर सोचा कि क्यों ना आज पिज्ज़ा खाया जाए। पिज्ज़ा जाके लेके आना पड़ना है, वैसे तो ऑर्डर भी कर सकते हैं लेकिन जानना पड़ना है, पास ही है शॉप, तो चलते हैं लेके आते हैं। आए चले आपके साथ। भाई थोड़ी सी ना मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो सर्दी भी है थोड़ी सी, इस वजह से ऊपर से जैकेट वगैरह डाल दी है, फिर आए चलते हैं और दरवाज़ा लॉक है और चाबी की वगैरह हम ओपन कर लेते हैं दरवाज़ा। जैसे कि बाहर आ गया हूँ फ्लैट से और लॉक कर दिया है, चलने आते हैं फिर बाहर। ये भी लॉक है, जल्दी जल्दी गली से बाहर आ गया हूँ। मेन रोड की तरफ ऊपर उतरा है, विक्टोरिया रोड है ये, जहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ। इस पर अभी टाइम ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और यहाँ पर मोस्टली ये शॉप्स वगैरह जो होती हैं वो 8 बजे तक ऑफ हो जाती हैं, 6 बजे के, 6 नॉर्मल 6 7 बजे के बाद ये ऑफ होना शुरू हो जाती है यहाँ पर, और नॉर्मली जब कुछ शॉप हैं वो 10 11 बजे बंद हो जाती हैं, बाकी 8 बजे मोस्ट शॉप्स यहाँ पर ऑफ हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर मोस्ट शॉप्स टाइम से बंद हो जाती हैं, एक तरह से ये एक अच्छी बात भी है, और कुछ शॉप्स होती हैं वो जैसे कि वो है वो रात 12 1 बजे बंद होती हैं, इस तरह कुछ शॉप्स हैं वो लेट नाइट सारी रात खुल जाती हैं, मोस्ट जो बाकी हैं वो जल्दी बंद हो जाती हैं शॉप से। और मैं बाहर जा घर की तरफ जा रहा हूँ, बस कुछ लाइट कम है इस तरफ से, कुछ रोशनी में जाकर थोड़ी सी वीडियो बनाता हूँ। जैसे पिज़्ज़ा मैंने लगाया भी खुद है लेकिन मेरे उस वक्त मेरे माइंड से स्किप हो गया था, मैंने वीडियो भी बनानी है साथ सॉरी, लेकिन पिज़्ज़ा बनाया मैंने खुद, खुद ही टॉपिंग की है सब कुछ खुद ही किया है बस, और रेडी हो गया बस जा रहा हूँ घर। और घर जाके वैसे मिला फ्री का पिज़्ज़ा है, ये देखें फ्री का वीज़ा मिल रहा है, बिकॉज वहाँ पर थोड़ी देर से पहले काम करते रहे थे इस वजह से। वापस पहुँच गया हूँ और आई थिंक लॉक नहीं है फिर भी ओपन नहीं हो रहा, चलिए मैं दरवाज़ा खुल के अंदर जाके आपको बाकी वीडियो बना के दिखाता हूँ दिखाता हूँ। चलने अंदर आ गया हूँ बस, तुम दोनों जनाब इधर ही बैठे हुए हैं बस, ओ मदीन भाई अभी भी, ओ भैया आप लास्ट में ऐसे थे, किसी और ने भी खाना है तो हम तो इन्वाइट ही कर सकते हैं खाने के लिए, आ जाए। हरियाणा भाई लास्ट भी लोग में ये नहीं आए थे, ये गए नहीं थे आज, ये भी काम काम से हैं, ये भी सर रानी भाई कितना काम काम काम, बस कायदे आजम के कॉल पर अमल दरामद कर रहे हैं। ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, देन अब मायना खीर खाने का, तो खीर बना के जो बनाई बना रहे थे उस वक्त वो बना के फ्रिज में रखी हुई थी, और ये 1 सेकंड उनसे कोई निकाल नहीं है खीर,
और जब ये खाने का प्लान है, ये चेक कर, ये चीज जो फ्रीजर में रखी थी अब अच्छे से ठंडी हो चुकी है, ये चेक कर बस आप। फिर पिज्जा वगैरह खीर खाने के बाद, सब कुछ खाने पीने के बाद सारा दिन गुजार, शाम गुजर गई है और अब सोने लगे हैं। रात का वैसे भी 1 बज के है, थोड़ी सी गपशप भी लगी दोस्तों के साथ, सब कुछ हो गया है। सारा दिन ऐसे बाद में काम से आने के बाद गुजर गया है, जो आपके साथ सारा आपके साथ शेयर किया है। बाकी कल का दिन जो जैसा भी गुजरेगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और आज का भी लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके बाय।